बहुत स्वागत है आपका अंचल आंचल में और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मंत्री और युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 14 अप्रैल को जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज रीवा पहुंचेंगे। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं। रीवा में संगोष्ठी और दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही शाम 5 बजे कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे। इधर गंज बसौदा में 1 दिवसीय अखंड ज्योति पाठक और गायत्री परिवार का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं और पाठकों द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद भजन आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार ने किया था। उसके तहत ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें सभी लोगों को बुलाया था पाठक सम्मेलन के नाम से, और इसमें उनका क्रांतिकारी साहित्य जो भी उपलब्ध है और इतना साहित्य है कि उससे पूरे यौन निर्माण की योजना सफल हो सकती है, होगी, उसके लिए बढ़ाने के लिए ये सारा कार्यक्रम यहाँ रखा, जिसमें सभी लोगों ने पूर्ण भाव से और बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके लिए सभी को धन्यवाद। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी। परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजामों को लेकर सेना के अधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और एसएसपी राजेश सिंह चंदेल के साथ बैठक की। हर दिन 3 शिफ्ट में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, इसलिए रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लेकर परीक्षा केंद्रों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बात हुई है इनसे, ये एक्चुअली में रिटर्न एग्जामिनेशन है, इनसे जो एआरओ साहब हैं उनसे बात करके एक जो जगह है उसको दिखवाया गया है, वहाँ व्यवस्था रहेगी और उसमें उन्होंने बड़ा जो सेटिंग प्लान है उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पर अलग अलग कॉल किया है, तो पर्याप्त व्यवस्था लगाएंगे और प्रॉपर अभी रिटर्न एग्जामिनेशन है उसका, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, तो मुझे ऐसा बहुत दिक्कत नहीं लग रही है, फिर भी हम सतर्क रहेंगे और व्यवस्था लगाएंगे। किसी भी शहर की सुंदरता उसके व्यवस्थित ट्रैफिक से आंकी जाती है। अगर दुर्ग की बात करें तो यहां ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पिछले 4 सालों से हाईवे के निर्माण के कारण चौक चौराहों से सिग्नल निकाल दिया गया और मैनुअल सिस्टम से ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। शहर में केवल 2 ही स्थान पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं जो कि चालू हालत में है, लेकिन उसके बाद कुम्हारी तक पूरे सिग्नल बंद पड़े हुए हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिले में अभी करीब 400 सीसीटीवी जो है वो एक्टिव है। चौक चौराहों को सिग्नल की जहाँ भी आवश्यकता है उसकी ड्यूरेशन को गेज किया जा रहा है, कहाँ ड्यूरेशन बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ कम करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे बड़े ब्रिजेज बनते जाएंगे कैमरा को और सिग्नल को रिलोकेट किया जाएगा। एक डिटेल प्लान जो है DSP ट्रैफिक द्वारा बनाया जा रहा है, एक रोड मैप बनाया गया है, पूरे जिले को सीसीटीवी से मैप किया जाएगा, एक कंट्रोल रूम में उसको इंटीग्रेटेड मेंटेन किया जाएगा, जिससे कि जब भी कोई अपराध हो उसकी विवेचना में मदद मिलेगी। तो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, जहां पे बताया जा रहा है कि कई जगह पे जो है वो सिग्नल पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, जिनके कारण जो है लगातार दुर्घटनाएं यहां पर होती रहती है। दुर्ग की ये हालत है जो आप देख सकते हैं, कई बार इसे लेकर के शिकायत भी की गई है, सिग्नल की खराबी के कारण जो दुर्घटनाएं होती है उसे लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जाहिर सी बात है कि सिग्नल व्यवस्था से किसी भी ट्रैफिक व्यवस्था से किसी भी शहर की व्यवस्थाओं को आंका जाता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी जो है कई बार इसे लेकर के शिकायत की गई, जिन जगहों पर सिग्नल बंद पड़े हैं उन्हें लेकर शिकायत की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई।
चलिए आगे बढ़ते थे। जन शिक्षण संस्थान कांकेर के 24 से ज्यादा ट्रेनरों ने कांकेर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ट्रेनरों ने बताया कि हम सभी कर्मचारियों को वेतन देने के पश्चात चेयरमैन द्वारा उससे रिटर्न धनराशि मांगे जाते हैं, नहीं देने पर कार्यालय के समस्त और महिला कर्मचारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। सभी समस्या के विषय में ट्रेनरों ने कलेक्टर को अवगत कराते हुए वेतन से कटौती पैसा वापस दिलाने की मांग की है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान से हम लोग सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी कर्मचारियों की कुछ न कुछ समस्याएं हैं जो कार्यालय के चेयरमैन पर्सन श्री विजय राज अग्रवाल को लेके हैं, जो सरगुजा से हैं, सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन से, और उनको ये जन शिक्षण संस्थान का टेंडर मिला हुआ सर एनजीओ, और उस एनजीओ में जिस तरीके से भ्रष्टाचारिता चल रहा था कि कार्यकर्ताओं को समय पर वेतन नहीं देना, वेतन अगर देना भी तो उन कार्यकर्ताओं से रिटर्न धनराशि ले लेना, जैसे कार्यकर्ताओं के अकाउंट में 20,000 डलवाना और 20,000 डलवा के क्या बोलते हैं उसको 7,500 रुपये केवल कार्यकर्ता को देना और बाकी अमाउंट अपने रिटर्न धनराशि के रूप में अपने अकाउंट में मंगवा लेना। मेरा नाम वर्षा पोया है और मैं जन शिक्षण संस्थान में 2021-22 से सिलाई के शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरा सेंटर जो है वो पहले 3 बच में चलाती थी ग्राम कोदाकघाट में, और हमको 250 रुपये हमारा पर बेच का था जो कि 3 बच का 750 रुपया होता है, लेकिन हमको आज तक कभी भी 750 के हिसाब से हमको पेमेंट कभी मिला नहीं, और हमारा जो मानदेय भी जो मिलता था वो 2-3 महीने बाद मिलता था लेकिन पूरा पेमेंट हमको मिला नहीं। और जैसे फर्स्ट बार जब मेरे को मिला था तो 25,000 रुपये मिला था, मेरे अकाउंट में आया था, जो कि उसमें से 15,000 मेरे से वापस मांगा गया जब इसका विरोध मेरे द्वारा किया गया। मैं विगत 1 वर्ष से जन शिक्षण संस्थान में सिलाई का प्रशिक्षण देती थी, वहाँ पर मुझे टीचिंग के रूप में रखा गया था, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ काम करने के लिए मतलब प्रशिक्षण देने के लिए गई तो वहाँ पर सामान वगैरह की बहुत कमी थी, और जब बच्चे प्रशिक्षण लेने आते थे और मैं जब उनको प्रशिक्षण देती थी, मान लो अगर 30 बच्चे हैं तो उसमें 15 ही कैंची दिया जाता था कि आप इसी में ही काम चलाइए, धागा भी बहुत कम था, मशीनें भी बहुत कम थी, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। और बच्चों को अगर हम कहते हैं कि सामान नहीं, आप इतने में ही काम चलाइए, तो वो बाहर जाके फिर हमारे ही संस्था की मतलब बुराई करते थे कि चलिए। इसी बीच जबलपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर उन्होंने हमला बोला है, कहा नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षा में देश का विभाजन किया, धर्म के आधार पर विभाजन कराया गया, फिर भी हमने समस्ता बरती और भारत में रघुवीर के होकर रहे, बाबर के नहीं, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो एक बार फिर आपको बता दें, जबलपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वामी रामभद्राचार्य का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। तो तुलसी पीठाधीश्वर है जिन्होंने ये बयान दिया है। जात के जातियों के नाम पर किसने झगड़े कराए, स्वतंत्रता के पश्चात यदि जात के आधार पर आरक्षण न होता तो कोई झगड़ा होता ही ना। जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। भारत में रहो पर भारत माता को माता बोलो। बढ़ते आगे की खबर की तरह, प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सभी शासकीय दफ्तरों में बगैर मास्क के आने को लेकर जिले के कलेक्टर ने सभी विभागों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी लापरवाही कम नहीं हो रही है। दफ्तर में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अपर कलेक्टर ने अब नियम का उल्लंघन करने वालों पर आगे जुर्माना लगाने की बात कही है। इधर कोटा में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि आरोपी के पास से 7 किलोग्राम गांजा और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। सतना जिले में ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया, जो खुद को पुलिस और पत्रकार बताकर लोगों से ठगी करता था। 3 लोगों के इस गिरोह ने महिला सरकारी सेवक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मामला सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र स्थित बाबूपुर का है, जहां हल्का पटवारी राजकुमारी पटेल ने पुलिस को इन बहरूपियों की सूचना दी और 3 युवकों को गिरफ्तार किया।
श्रीमती राजकुमारी पटेल जो भी हम आउट में पटवारी हैं उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी रिपोर्टर बनके मेरे कार में आए में तय बताकर मेरी जांच करने के लिए कहा जा रहा है और व्हाट्सएप नंबर पर ही डबल स्टार पुलिस की फ़ोटो लगाकर डीएम साहब की गाड़ी के साथ फ़ोटो लगाकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर की फ़ोटो प्राप्त की गई है और न्यूज़ रिपोर्टर की आई का प्राप्त किया गया है। सेम देवीदास पटेल के पास से भी किसान मोर्चा का आई कार्ड प्राप्त किया गया है, दो सीम प्राप्त किए हैं और दो मैनुफैक्चर जो फ्लिपकार्ट से मंगाए हुए थे सुभाष सिंह ने ये जब्त किए गए हैं और अपने कार्रवाई की जा रही है।